तो क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा डायबिटिक किडनी डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं? सबसे जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट रहता है लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज, के काफी लंबे समय से डायबिटीज की शिकायत रह रही हो, खास तौर से अगर वो कंट्रोल में नहीं रह रही, हाई ब्लड प्रेशर रह रहा हो हमें काफी समय से, उसकी वजह से भी किडनी डिजीज की प्रॉब्लम बढ़ती है। एंड एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनका किडनी डिजीज का रिस्क 20 गुना ज्यादा बढ़ जाता है कंपेयर टू समबडी हु डज नॉट स्मोक। सो स्मोकिंग का जो है बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है हमारी किडनी डिजीज पे, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से भी खून की धमनियों पे वैसे ही असर पड़ रहा होता है कि स्टिफनिंग जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है और खून का बहाव ठीक से नहीं हो पा रहा होता शरीर। ज्यादा सॉल्ट इनटेक से, सो नमक अगर हमारे खाने में ज्यादा रखते हैं तो उसकी वजह से भी किडनीज पे काफी ज्यादा असर पड़ता है। और ये एक चीज है जो डायबिटीज के पेशेंट्स काफी बारी नजरअंदाज कर देते हैं। उनको लगता है कि अच्छा मीठी चीजें नहीं खा पा रहा हूं तो मैं चलो नमकीन खा लेता हूँ, या नमकीन बिस्किट्स वगैरह ले लेता हूँ स्नैक्स के लिए, या खाने में अदरवाइज नमक का इनटेक जो है ज्यादा रह रहा होता है तो उसकी वजह से किडनी डिजीज के चांसेस ज्यादा रहते हैं और किडनी डिजीज जल्दी बढ़ने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। दूसरी जो चीज है वो ये कि अगर हमारा एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है या हमारा वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है उसकी वजह से भी किडनीज पे काफी असर पड़ता है। अगर हार्ट डिजीज की शिकायत है या फैमिली में किडनी फेलियर या किडनी डिजीज की शिकायत हो तो नेक्स्ट जनरेशन में भी किडनी डिजीज के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो अगर कोई उस तरीके के लोग हो जिनके भाई या बहन या मम्मी पापा में डायबिटीज की वजह से किडनी डिजीज की शिकायत रही है तो उनको और ज्यादा केयरफुल रहना होता है कि पहले से ध्यान दे के चले ताकि उनको उस चीज की शिकायत ना हो। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। हम बहुत रेगुलरली मनी मैटर्स, हेल्थ और एंटरटेनमेंट पर सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्सक्लूसिव वीडियोस रिलीज करते हैं। यदि आप हमारे नए वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।